नवरात्रि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। साल भर में चार नवरात्रि पड़ती हैं, जिनमें से दो गुप्त और दो प्रकट नवरात्रि होते हैं। गुप्त नवरात्रि जहां आषाढ़ और माघ मास में आते हैं, तो वहीं प्रकट नवरात्रि चैत्र और अश्विन माह में। गृहस्थ लोग मुख्य तौर पर दो ही नवरात्र मनाते हैं, पहला चैत्र मास में आने वाले चैत्र नवरात्रि और दूसरी अश्विन मास में आने वाले शारदीय नवरात्रि। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और भक्त माँ के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती हैं और पूरे 9 दिनों तक घर घर में वास करती हैं। इस दौरान विधि विधान से माता रानी की आराधना करने से उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर कष्टों से मुक्ति मिलती है। हर साल माँ दुर्गा का आगमन और विदाई किसी खास वाहन पर होती है। माँ दुर्गा के ये वाहन दिन के हिसाब से तय होते हैं और इससे आने वाले समय के बारे में संकेत भी मिलते हैं। इस साल माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो कि बेहद शुभ संकेत देने वाली है। माना जाता है कि अगर नवरात्र रविवार या सोमवार से शुरू होते हैं, तो माता रानी का आगमन हाथी पर होता है। इसी तरह दिन के हिसाब से वाहन बदलते रहते हैं। जैसे शनिवार या मंगलवार के दिन नवरात्र शुरू होने से आगमन घोड़े पर होता है। गुरुवार या शुक्रवार के दिन नवरात्र का पहला दिन पड़े तो आगमन डोली पर होता है और बुधवार के दिन माँ दुर्गा नाव में आती है। मान्यता है कि जब नवरात्रि रविवार या सोमवार को शुरू होती है, तो माँ दुर्गा का वाहन हाथी बन जाता है, जो अधिक वर्षा का संकेत देता है। वहीं जब मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि शुरू होती है, तो माँ का वाहन घोड़ा होता है, जो सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। साथ ही गुरुवार या शुक्रवार से माँ दुर्गा डोली में विराजमान होकर आती है, जो रक्तपात, तांडव, जन धन हानि का संकेत देता है। बुधवार के दिन जब नवरात्रि प्रारंभ होता है, तो माँ नाव से आती हैं। नाव से माँ का आगमन एक शुभ संकेत माना जाता है। वही माँ दुर्गा के प्रस्थान की सवारी कौन सी होगी, ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का समापन किस दिन हो रहा है। जैसे इस साल नवरात्रि का समापन मंगलवार को हो रहा है। मंगलवार या शनिवार को नवरात्रि का समापन होने से माँ दुर्गा की विदाई मुर्गे पर होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुर्गे पर माँ दुर्गा की विदाई शुभ नहीं मानी जाती। ये प्राकृतिक आपदाओं का संकेत देता है। माँ दुर्गा का मुर्गे पर प्रस्थान भविष्य में आने वाले संकटों के बारे में चेतावनी देने वाला माना जाता है।